प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, तैयारी करने वाले युवा परेशान हैं, अब आचार संहिता भी खत्म हो गई है, सभी युवा सरकारी भर्ती की आस लगाए बैठे हैं। इसी बीच वायरल उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती के आधिकारिक पत्र ने बवाल खड़ा कर दिया है। पत्र में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और पुलिस अधीक्षकों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम पद भरे जाने हैं। इस संबंध में 17 जून को राय मांगा गया है। ये पत्र कल से वायरल हो रहा है। ये बात सही है कि ये पत्र डीजीपी कार्यालय के स्थापना विभाग से जारी हुआ है, लेकिन देर रात सफाई जारी कर दी गई है कि त्रुटि बस ये सर्कुलर जारी हो गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर ये त्रुटि बस था तो डीजीपी को एक्शन लेना चाहिए था, जिसने प्रदेश भर में युवाओं के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। राजनीतिक फजीहत के बाद सफाई आई कि सर्कुलर रद्द किया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रस्ताव पहले से बना रखा था, जिसे जारी किया गया। डीजीपी मुख्यालय में इसको लेकर काफी विचार भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं। डीजीपी हेडक्वार्टर से और नाराजगी की गाज जल्दी ही बड़े अफसर पर गिरने वाली है। चुनाव के वक्त भी एक आला अफसर के डबल क्रॉस की खबरें आई थी। इस सर्कुलर को एक खेमा सरकार को बदनाम करने की अफसरों द्वारा साजिश बता रहा है। भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से मानवेंद्र सिंह।